हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ भी आ जाता है और सो दैट करके भी आ जाता है। तो मैं इसका एक डेरिवेशन कराता हूँ। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, और जिससे कि बहुत से जरूरतमंदों को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेरा टॉपिक जो है एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, तो इसको मैं अब करने जा रहा हूँ आपके साथ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया इन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके बाद में इन 1896 बोल्ट्जमैन ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी नोन एज प्रोबेबिलिटी नोन एज इसको क्या नाम दिया गया था, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो इन 1896 बोल्ट्जमैन ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, मैं W की बात कर रहा हूँ, नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो इसको मैं अब ड्राइव करता हूँ। चलिए, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, 1/T = curly S/E। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ये मैंने थर्मोडायनामिक्स के अंदर ड्राइव कराया हुआ है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं वेयर टी इज टेम्परेचर S is entropy and E is energy. क्या चीज, E is energy. तो according to statistical mechanics approach, अगर मैं स्टेटिस्टिकल अप्रोच की बात करता हूं, तो बीटा पैरामीटर क्या देखा था हमने, बीटा इज इक्वल टू वन ओवर में के टी। अगर मेरे पास में रिलेशन है
तो यहाँ से 1 ओवर में t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा के। दिस इज द टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोनों इक्वेशनों को आपने देख लिया कि हमारे पास में ये रिलेशन है, और बीटा बराबर आपने क्या देखा था, बीटा बराबर 1 ओवर में kt होता है, और बीटा बराबर भी आपने देखा होगा, बीटा बराबर क्या था आपके पास में है, लॉग पढ़ा था ना, लॉग डब्ल्यू ई, क्या था, लॉग डब्ल्यू ऑफ ई, ये बीटा की वैल्यू थी, और क्या था, कर्ली ओवर में कर्ली ई। तो कर्ली ओवर में कर्ली ई लॉग डब्ल्यू ई हमारे पास में क्या था, इसकी बीटा की एक वैल्यू थी। तो बीटा की वैल्यू को जब आप 2 में रखोगे तो 1 ओवर में टी इज इक्वल टू के कर्ली ओवर में कर्ली ई लॉग डब्ल्यू ऑफ ई, ये हमारे पास में एक रिलेशन आएगा। इक्वेशन 3 मैं इसको कह देता हूं। तो अब आपको क्या काम करना है, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर देना, कंपेयर कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर देना है। तो आपको पता है कि हमारे पास में इक्वेशन 1 क्या थी, हमारे पास में इक्वेशन 1 थी बेटा 1 ओवर में t इज इक्वल टू करली s ओवर में करली e, मैंने इसको बोला है। दूसरा क्या था, 1 ओवर में t इज इक्वल टू k करली ओवर में करली e log डब्ल्यू ई, क्या था, डब्ल्यू ई, ये हमारे पास में ये था। नाउ नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास में करली s अपॉन में करली e इज इक्वल टू k करली अपॉन में करली e log w ऑफ e, ये रिलेशन हमारे पास में आ जाता है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन से आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे करली s अपॉन में करली e और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट के करली अपॉन में करली e log w ऑफ e, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ s बराबर क्या आ जाएगा, k log w ऑफ e, यही मैं प्रूव करना चाहता हूँ। दिस इक्वेशन शोज दैट द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, तो इसमें आप लिख सकते हो, हेंस दिस रिलेशन shows the relation between entropy and thermodynamic probability, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये चीज क्या है, वेयर, आपको पता है, सबको पता है, वेयर एस बराबर क्या है, एंट्रोपी, और डब्ल्यू बराबर क्या चीज है, थर्मो डायनामिकल प्रोबेबिलिटी, ये रिलेशन आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक रिलेशन करा दिया है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर एग्जाम, बिल्कुल सिंपलेस्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर आप कहो तो मैं आपको इसी का एक सेकंड मेथड और करा देता हूं, उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका सेकंड पार्ट और करा देता हूं। सेकंड पार्ट में आपने देखा कि क्या हमारे पास में इसका वो है, अभी मैं इसका एक सेकंड वेरिफिकेशन और करा देता हूं कि सेकंड में हम क्या करेंगे। सेकंड थोड़ा सा इससे लेंथी है, जिससे भी आपको इजी लगे आप उससे इसको कर देना। सेकंड मेथड है इसी का, सेकंड पार्ट में आपको करा देता हूं। तो इसके अंदर आपने लिख दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बाय द डेफिनेशन ऑफ
एंट्रोपी, तो क्या रहता है हमारे पास में, डी क्यू बराबर टी डी एस, ये रहता है, यही तो होता है हमारे पास में। और डी एस बराबर क्या रहता है, डी क्यू ओवर में टी। ये रिलेशन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ये एंट्रोपी का रिलेशन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ सिस्टम, इन मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल स्टेट ऑफ सिस्टम ऑफ सिस्टम, तो एक इक्वेशन आ जाती है इसकी, द इन मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल स्टेट ऑफ सिस्टम द रिलेशन इज गिवन बाय, रिलेशन इज गिवन बाय, तो रिलेशन क्या है आपके पास में, ये रहेगा डी एल एन डब्ल्यू नेचुरल ऑफ डब्ल्यू माइनस एल्फा डी एन। ये मैं अगली इक्वेशनों में मैं आपको बताऊंगा, बाय यूजिंग जब हम स्टर्लिंग फॉर्मूला करेंगे तो वहां पे आ जाएगा बीटा डी यू, क्योंकि विच इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में, जीरो, ये दो, क्योंकि इसमें टोटल ही पोस्टुलेट्स है हमारे पास में लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने कहा एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आर सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, डी यू इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, या डी यू इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये मैंने पोस्टुलेट्स के अंदर आपको पढ़ा रखे हैं, तो यहां से आपने लिख लिया। अब आपको पता है वेयर वेयर डब्ल्यू इज थर्मो डायनामिक प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, W क्या हो गया थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी हो गया, N क्या है, N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, N क्या चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा बीटा आर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लायर्स लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात कर देता हूं हमारे पास में बाई पोस्टुलेट्स की, मैं बात करता हूं द सेकंड पोस्टुलेट डी एन, ये कह दिया है कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम एक कॉन्स्टेंट, तो डी एन बराबर क्या रहेगा, जीरो, तो इक्वेशन टू कैसे आ जाएगी, डी एल एन डब्ल्यू, तो ये आ गया डी एल एन डब्ल्यू माइनस डी एन जीरो, तो बीटा डी यू बराबर जीरो, तो आपने इसको इस तरीके से कर दिया, डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा डी यू, ये इक्वेशन थर्ड मान ली, वेयर वेयर बीटा इज इक्वल टू वन ओवर में के टी, यही वैल्यू तो होती है बीटा की, बीटा इज इक्वल टू वन ओवर में के टी, तो ऊपर वाले में लिखेंगे डी एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू ओवर में के टी, ये हमारे पास में इक्वेशन फोर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, यही तो कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, तो ये तो हमने आपको बता दिया, इफ द वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इफ द वॉल्यूम डज नॉट चेंज,
तो डी वी बराबर क्या आ गया, जीरो। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, डी यू। ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, डी यू। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो डी क्यू बराबर डी यू आ गया। तो यहां मैं इसका यूज करूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली इक्वेशन में करते हैं, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो देन इक्वेशन फोर, देन इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में मैं लिखूंगा तो डी एल एन डब्ल्यू, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू बराबर क्या आएगा, डी क्यू ओवर में के टी। ये आ गया हमारे पास में। और अभी मैंने निकाला था तो हमारे पास में डी क्यू बराबर, हमारे पास में अगर मैं बात कर देता हूं तो टी डी एस आ जाता है। क्या आ जाता है, टी डी एस। तो ये चीज तो आपने देखी होगी, अभी मैंने लास्ट में आपको करा था। तो डी क्यू बराबर क्या जाएगा, टी डी एस हमारे पास में आ जाता है। क्यों, क्योंकि अभी निकाला था ना सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ क्या कहता था, डी क्यू बराबर टी डी एस, यही तो था। तो यहां से यहां रख देते हैं, तो डी बराबर एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी एस अपॉन में के टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। डी एल एन डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, डी एस अपॉन में के, और डी एस बराबर क्या जाएगा, के डी एल एन डब्ल्यू। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बहुत सा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एस बराबर के एल एन डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू हमारे पास में एनर्जी का फंक्शन है। तो ये दोनों ही इस तरीके से बोल्ट्जमैन रिलेशन को मैंने आपको, दोनों तरीके से मैंने बोल्ट्जमैन का एक रिलेशन करा दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको रिलेशन प्रूव करा दिया। ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, मैं यहां से आपको रब कर देता हूं। ठीक है, ये एक तो इस नाम से पूछ लिया जाएगा, दूसरा इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम के अंदर। सो दैट द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एस एंड थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू, तो क्या रहेगा, एस बराबर के एल एन डब्ल्यू, ये पूछ लिया जाए। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जा सकता है। तो और के क्या चीज है, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या चीज है के हमारे पास में, के क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या चीज है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इतना चीज याद रखना। और के की वैल्यू हमारे पास में क्या रहती है, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 जूल मोल इनवर्स, ये हमारे पास याद रखने वाली वैल्यू है 23। ठीक है, तो यहां तक आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकता है। कैसी भी चीज है, जो भी आपको पूछना है, हम आपके लिए तैयार हैं। तो ये रिलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है ये वाला। ठीक है, तो अब मैं अगला एक और टॉपिक लेता हूं कि मैं आपको नई वीडियो के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के अंदर। ठीक है, और मेरे आपसे फिर वही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें।
और एक छोटी सी नोट बात और मैं कह देता हूँ, एक जो हमारा हेल्थ का चैनल है ठीक है, उसका नाम बदल के हमने जो कर दिया वो कर दिया SIS हेल्थ, सिस हेल्थ कर दिया है। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप फॉलो करें ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी को लाइक करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।